अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, आज हम बात करेंगे चिलिका झील की, जो कि भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। चिलिका विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। चिलिका एक लैगून लेक है। जैसा कि सभी लैगून में होता है, इसका पानी जैविक विविधताओं से परिपूर्ण है। चिलिका झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैली है। यह खूबसूरत झील बंगाल की खाड़ी में बहती है। 1990 के दशक में चिलिका झील अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप एवं खरपतवार के प्रकोप से एक मृतप्राय झील बन गई थी, परंतु उड़ीसा सरकार व चिलिका विकास प्राधिकरण के सराहनीय प्रयासों से इसका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कराया जा सका है और आज चिलिका झील पुनः जैविक विविधताओं से परिपूर्ण है और लाखों लोगों की जीविका का स्रोत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिलिका झील को ज्वेल ऑफ उड़ीसा क्यों कहा जाता है और क्या है चिलिका झील में मानव व प्रकृति के संघर्ष की दास्तान। चिलिका झील 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है और इस झील की औसत गहराई लगभग 3 मीटर है। एक प्रकार से यह समुद्र का ही भाग है, जो महानदी एवं दया नदी द्वारा लाई गई सिल्ट के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा आशाजनक तथ्य यह है कि दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खारा रहता है और बरसात में इस झील का पानी मीठा हो जाता है। चिलिका झील भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी एवं अप्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह झील पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी सुदूर कच्छ क्षेत्र से आते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। यहाँ विश्व के कई देशों जैसे साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान आदि स्थानों से पक्षी आते हैं। पक्षियों का आगमन अक्टूबर से प्रारंभ होता है और वे फरवरी तक चिलिका झील में रहते हैं। यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को देखा जा सकता है। यहाँ पक्षियों के झुंडों को देखना अपने आप में बेहद रोमांचक अनुभव होता है। चिलिका झील में मौजूद मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ मछुआरों की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। चिलिका झील भारत की पहली ऐसी झील है जिसे वर्ष 1981 में रामसर घोषणा पत्र के अनुसार वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में चुना गया था। भारत में चिलिका झील इरावदी डॉल्फिन का एकमात्र निवास स्थान है, जिसे प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN द्वारा इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिलिका झील भारत के अनूठे लैगून्स में से एक है और भारत के पूर्वी तट पर महानदी के मुहाने पर स्थित है। माना जाता है कि सदियों पहले ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा था और समुद्र की लहरों और बहावों ने पूर्वी तट के आसपास ढेर सारी सिल्ट जमा कर दिया, जिससे इस लैगून का निर्माण हुआ। यहाँ ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री पर्यावरण प्रणालियाँ एक साथ मौजूद हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, जिससे यह झील अनूठी बन जाती है। यह झील एशिया का सबसे विशाल खारे पानी का लैगून है। जो इसे अनूठा बनाता है वह ताजे पानी और खारे पानी का मेल, जो अलग अलग तरह की पर्यावरण प्रणालियों की रचना करके बहुत से जीव जंतुओं को आशियाना उपलब्ध कराती है। चिलिका झील समुद्र से 29 किलोमीटर लंबी अनियमित जलधारा है और इसमें कई छोटे छोटे रीतेलिए द्वीप हैं। लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला नलबाना द्वीप को वर्ष 1987 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। झील में मौजूद नलबाना द्वीप, जिसे नलबाना बर्ड सेंचुरी भी घोषित किया गया है, पूरे मॉनसून में पानी में डूबा रहता है और सर्दी में जब इसका पानी घटने लगता है तो यह घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त जगह बन जाती है। इसी समय प्रवासी पक्षियों का पहला समूह यहाँ पहुँचता है और इसे सर्दियों के दौरान अपना आश्रय स्थल बनाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार की पक्षियों की जबरदस्त विविधता नजर आती है, इसलिए पक्षियों के दर्शन करने वालों के लिए चिलिका झील अत्यंत लोकप्रिय स्थान है। चिलिका फ्लेमिंगो पक्षियों के प्रजनन करने वाली दुनिया की सबसे विशाल कॉलोनी में से एक है। इनमें से कुछ तो कच्छ के रण जैसे दूरदराज इलाकों से आते हैं। अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण चिलिका को 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला दलदली इलाका घोषित कर दिया गया है।
बदकिस्मती से मछुआरों की आबादी का दबाव और झील के आसपास सैलानियों के रहने तथा इस अभयारण्य को देखने के कारण इस लैगून पर जबरदस्त दबाव पड़ा है। अनुमानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 50 से ज़्यादा नदियां तथा जलधाराओं और वर्षा के कारण करीब 365,000 टन सिल्ट झील में पहुंच जाता है। इससे झील का क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है। अत्यधिक सिल्ट के जमा होने से धीरे धीरे इसका संपर्क समुद्र से टूट रहा है। इससे यहाँ के पानी के खारेपन में भी कमी आई है और खारे पानी वाली प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं। खारे पानी की कमी की वजह से ताजे पानी में पनपने वाली खरपतवार प्रजातियाँ फैल रही हैं और वे कई मछलियों के चरने वाले और प्रजनन वाले स्थानों को सीमित कर रही हैं। यह झील पक्षी देखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए धरती पर एक स्वर्ग के समान है। पक्षियों की जीवंत विविधता के साथ झील सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। पर्पल विल्ड स्टार्क, बार हेडेड गूस, पिनटेल, किंगफिशर, गल, टन, बगुले और सफ़ेद बेल वाले समुद्री ईगल यहाँ देखने को मिलते हैं। इस खूबसूरत झील में प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों के साथ साथ कई प्रकार के जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। इसमें सुनहरे सियार, चित्तीदार हिरण, काला हिरण और लकड़बग्घा शामिल है। दुर्लभ और खतरे से घिरी प्रजातियों में इरावदी डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल, ब्लैक बक शामिल हैं और सभी इस पर्यावास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैलानियों और पर्यावरणविदों के लिए चिल्का झील की एक खासियत है यहाँ की इरावदी डॉल्फिन्स, परंतु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन डॉल्फिन्स के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पूरे विश्व में इरावदी डॉल्फिन की कुल संख्या 1,000 से भी कम रह गई है। पर्यावरण की तबाही और खारापन कम होने के अलावा डॉल्फिन की तबाही का मुख्य कारण है सैलानियों की भारी संख्या और नाविकों की मैकेनाइज्ड बोट और प्रोपेलर। डॉल्फिन मछली खाती है, इसलिए वो जाल में फंसी मछलियों की तरफ आकर्षित होती है और अक्सर वो स्वयं जाल में फंस जाती है, जिससे दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सी डॉल्फिन्स की मौत झील में चलने वाले मैकेनाइज्ड प्रोपेलर के टकराने से हो जाती है। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी इन डॉल्फिन्स को बचाने के लिए लगातार अभियान चलाती रहती है। चिलिका में इंजन से चलने वाली नावों के लिए विशेष डिज़ाइन वाले प्रोपेलर कार लगाने और डॉल्फिनों को देखने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चिलिका झील में मछलियों की करीब 217 प्रजातियों की पहचान की है। रेप्टाइल और उभयचर जीवों की भी लगभग 37 प्रजातियां यहां मिलती हैं। गर्मियों के महीनों में जब ज़्यादा मछलियां नहीं होती हैं और झील सिकुड़ जाती है तो उसकी सूखी तली का इस्तेमाल चावल या बाजरा उगाने के लिए किया जाता है। 1980 के दशक तक मछलियों को पारंपरिक तरीके से पकड़ा जाता था, जैसा कि जालों से, स्थानीय तौर पर बनी नावों और बांस के फंदों के जरिए। लेकिन झींगों का निर्यात शुरू होने से बाजार में तब्दीली आई। नायलॉन के बेहद बारीक जाल इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद आई मोटर बोट। यह पारंपरिक तरीकों के विपरीत बहुत कम समय में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेती थी और कुछ तो झील की सतह को ही खोद डालती थी, जिससे न केवल तली में रहने वाले जीव मारे गए बल्कि तली भी बर्बाद हो गई। इंजन से चलने वाली ज़्यादातर नौकाओं के मालिक मछुआरा समुदाय से बाहर के लोग हैं। इनमें से कुछ कोलकाता के व कुछ उड़ीसा के कई शहरों से हैं। हद से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने, प्रदूषण और सिल्ट जमने, झील में होने वाले रासायनिक बदलावों के कारण यहाँ मछलियों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। चिलिका उड़ीसा का गौरव है और ये एक ऐसी प्राकृतिक विरासत है जिसे अपनी अनूठी पर्यावरण प्रणालियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। चिलिका एक ऐसा दलदली इलाका है जिसे हम किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते। इस विरासत को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए कई सार्थक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के लिए भी यह एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। लाखों लोगों को जीवन देने वाली चिलिका के बारे में एक उड़िया कवि, जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो गए थे, ने लिखा है कि मुझे थोड़ी देर चिलिका के चित्रपट को निहार लेने दो, फिर तो अंधेरी कोठरी में रहना ही है। वाकई चिलिका में यह ताकत है कि वह कष्टकारी राह को भी आसान बना देती है। तो ये थी आज चिलिका लेक के संबंध में वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।